जय जिनेन्द्र, वेलकम टू संजनाज वेज किचन। आप सबको पर्युषण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने दाल और चावल के कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैंने कोई भी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स या लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसे पर्युषण पर आराम से खा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा लगे कि आपको नहीं खाना है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और इन कटलेट के साथ खाने के लिए मैंने खट्टी मीठी अमचूर की चटनी बनाई है। पर्युषण पर बनने वाली कुछ रेसिपीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप धुली हुई मूंग की दाल ली है। इसे मैंने प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक बॉईल कर लिया है। दाल को बॉईल करते टाइम इसमें ज़्यादा पानी देके बॉईल नहीं किया है। देखिए इस तरह से बॉईल किया है, ना तो बहुत ज़्यादा ढीली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कड़क होनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम कम पानी में बॉईल की हुई दाल होनी चाहिए। इसी तरह से आधा कप चावल लेंगे, उसे भी प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। आधा कप पनीर लिया है। ब्रेड क्रम्स की जगह दो रोटी को ऐसे मिक्सी में चूरा कर लिया है। एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग पाउडर, आधा कप मूंगफली या सिंगदाने का चूरा लिया है, आधा कप पोहा लिया है जिसे मैंने कम पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। इन सब सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए कटलेट का मिश्रण तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से हमें इस मिश्रण को गाढ़ा रखना है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसमें। अब हम इस मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और ऐसे लोई बना के टिकिया बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमें सारी टिकिया बनानी है। अब इन टिकिया को हम एक नॉनस्टिक तवे पर रख के और हल्का सुनहरा होने तक थोड़ा थोड़ा तेल डाल के सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, नहीं तो टिकिया जल जाएगी। ये देखिए ये हमारी टिकिया सिक चुकी है। ऐसे ही हमें सारी टिकिया सेकनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से सारी टिकिया सुनहरी सेक ली है हमने। अब मैं आपको एक टिकिया तोड़ के दिखाती हूँ। कितनी बढ़िया और कुरकुरी टिकिया बन के तैयार हुई है ये आप देख सकते हैं। यकीन मानिए खाने में भी उतनी ही टेस्टी है ये। अब इन टिकिया के साथ खाने के लिए हम अमचूर की एक खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं। ये चटनी सिर्फ 5 मिनट में बन के ही तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी लिया है। इस पानी को हमें बॉईल करना है। इसमें डालेंगे आधा कप गुड़, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर,
एक चौथाई छोटा चम्मच सफ़ेद नमक जो हम रोज़ खाते हैं, इसके साथ हम डालेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच काला नमक। इसे बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे और एक अलग कटोरी में 3 बड़े चम्मच पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐसे घोल बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर के घोल से चटनी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा, इसीलिए इस चटनी में कॉर्नफ्लोर का घोल ज़रूर डालें, इसे स्किप मत कीजिएगा। अब हम चटनी को उबलने देंगे जब तक चटनी का टेक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे।